वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है लर्न इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम सीरीज के और एक एपिसोड पे, जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम मार्केट में कैसे बनते हैं, कैसे आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट में कहाँ पर कौन सी एरिया पे इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्टिव होंगे, उनके मोमेंटम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो बहुत छोटा रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, बार बार रिपीट करके देख पाए और साथ ही साथ हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश करेगा। आई होप इस वीडियो के बाद मार्केट को देखने का आपका नज़रिया और साथ ही साथ स्टॉक आइडेंटिफाई करना आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं दिखा देता हूँ जिस स्टॉक में आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं वो है गैब्रियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैब्रियल भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये एक कैंडल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो आगे चल के आप समझेंगे। ये वो कैंडल है, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं इसकी बात करने वाले हैं आगे चल के हम लोग। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हमें लगा कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्टिव है। ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर मैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हम लोग एक साथ डिस्कस करते हैं कि हम कौन से स्टॉक पे आज के दिन काम करेंगे, क्या क्या हमारा व्यू होगा, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे एक सेक्शन है एनालाइज बाय राशिद काजी, तो यहाँ पर कुछ स्टॉक जैसे कि मैंने दिया हुआ है, अगर आप गौर करके देखें तो ये वो स्टॉक है और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी है कि गैब्रियल के इस मोमेंटम को देखो, ये मोमेंटम 162 तक लेकर जा सकता है। अब वो जो कॉन्फिडेंट है जो इस कैंडल को देखने के बाद हमारे अंदर आया कि यहाँ से ये 162 तक जा सकता है, वो कैसे डेवलप हुआ, वो एक सवाल है। कि और नीचे मैंने लिखा भी था मार्केट वोलाटाइल है तो कॉशियस भी रहना ज़रूर है। ठीक है, तो ये वो कैंडल था जहाँ से हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम आएगा। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप गौर करके देखें ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, ये तो रिजेक्शन वाला एरिया है कि जब कभी भी मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया पे आता है वो रिजेक्ट होता है। गौर करके देख लीजिए, तो ये तो जाहिर सी बात है रिजेक्शन एरिया है, तो यहाँ पर तो लोग बाई नहीं सेल करेंगे। कैसे सेल करेंगे, क्योंकि ये रिजेक्शन है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से आप प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आएगा। इतना बड़ा एक कैंडल था वो यहाँ से वैनिश हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से नीचे आएगा जो पहले भी आया हुआ था। तो यहाँ पर हमने ये कैसे कहा कि यहाँ से ही आपको मोमेंटम मिलेगा, यहाँ से ही आपको आगे चल के फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम मिलेगा जो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। और मैंने ये भी कहा था अगर वो 162 तक आज के दिन भी जाता है मुझे हैरानी नहीं होगी, उस पॉइंट पे मैंने ये भी मेंशन किया था। वो क्या लॉजिक है इस चीज़ को समझे। अब मैं ना टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा कि इंस्टीट्यूशन आपके साथ कैसे प्ले करता है, आपके इमोशंस के साथ कैसे प्ले करता है। मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, गौर करके हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेगा। अगर आप गौर करके देखें तो यहाँ से अगर मैं एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ से प्राइस का ब्रेकडाउन होता है, फिर यहाँ से रिटेस्ट होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से रिजेक्ट होता है इस पर्टिकुलर कैंडल पर। इसका मतलब पहले ही आप सेलर थे। कौन से पॉइंट पर सेलर थे मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, देख लीजिए, ये वो पॉइंट था जहाँ पर आप पहले सेलर बने, जब प्राइस यहाँ पर आया था रिजेक्शन कैंडल मिला आप यहाँ पर सेलर बन चुके थे। दूसरा क्या है, ब्रेकडाउन के बाद लास्ट के यहाँ से भी आप सेलर थे, तो यहाँ पर बाय करने का कोई लॉजिक आपका बनता ही नहीं है। गौर करके देख लीजिए, यहाँ पर आपका बाय करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। जितने भी लोग चार्ट रीडिंग करते हैं कॉमेंट में बताएगा ज़रूर कि आप ऐसे ही चार्ट को रीड करते हैं, क्या ऐसे ही छोटे टाइम फ्रेम पर आप चार्ट को देखते हैं, कि यही वो लॉजिक है जिस वजह से आप यहाँ पर बाइंग नहीं करना चाहेंगे। गौर करके एक बार चेक करिएगा, कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। अब ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर ना यहाँ पर सेलर बन चुके थे इस पर्टिकुलर एरिया पे, तो यहाँ से बाइंग का कोई कैंडल हो या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रहा था। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, हमेशा कोशिश ये करना है कि इंस्टीट्यूशन और उनके मोमेंटम को आपको पकड़ना है। ठीक है, लोग जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। कुछ एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके, ठीक है, जो आपके लिए आसान होगा देखने में। मैं एक बार कैंडल को शिफ्ट कर देता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम को हम लोग यूज़ करते हैं और कुछ कैंडल को मैं मार्क करता हूँ। गौर करके देख लीजिए, ठीक है, ये एक कैंडल है, दूसरा कौन सा कैंडल है, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये दो कैंडल है और साथ ही साथ रीसेंट का कोई कैंडल मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ, जैसे कि ये जो हाई बना इसका एक कैंडल। तो गौर करके देखें तो ये कैंडल हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने यहाँ पर बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनाई, ये इंस्टीट्यूशन का कैंडल है। इतना बड़ा कैंडल ना आप और ना मैं बना सकते हैं, ये बना सकते हैं कोई बड़ा पैसा या फिर कोई इन्फ्लुएंसर। आज के दिन मार्केट में मैनिपुलेशन करना बहुत ईजी है क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं,
तो वो अगर ये भी बोल दे कि इस स्टॉक को उठाओ तो लोग उठाना शुरू कर देंगे कुछ सोचे बिना, तो ये वो भी ला सकते हैं ये मोमेंटम। अब क्या हुआ गौर करके देखिए, तो यहाँ से एक मोमेंटम आपको मिला, ये वो एरिया था, यहाँ से मार्केट में इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्टिव था, यहाँ से भी मार्केट इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशन मार्केट में एक्टिव था, गौर करके चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी एक्टिव था, इस एरिया पे भी एक्टिव था। इसका मतलब इन एरिया पे हमें लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन एक्टिव है। अब गौर करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये वैलिड एरिया है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन को एक्टिव होना चाहिए, गौर करके चेक करेगा, ठीक है। मैं एक बार आपको चेक करवाता हूँ, गौर करके देख लीजिए क्या ये वैलिड एरिया है, वैलिड प्राइस है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन को एक्टिव होना था, गौर करके देख लीजिए। ऐसा क्या होता है एग्जैक्टली इस प्राइस में आने के बाद मार्केट नीचे चला जाता है, कुछ तो है ना इस प्राइस पे, लोग इसका नाम दे देते हैं सपोर्ट रीजन, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस को समझिए, ये बड़े पैसे का मन पसंदीदा प्राइस है जहाँ पर वो ट्रेड करना पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, यह सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर प्राइस में या फिर इसके आसपास वाले प्राइस में कि एग्जैक्टली यहाँ से लंबा कैंडल बन जाता है। मतलब क्या है, कोई बड़ा पैसा यहाँ पर एक्टिव है तो क्या करना है, सबसे पहले जब कभी भी आप किसी भी स्टॉक में जाए कोशिश करें आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके पास एक ऐसा प्राइस हो जिस प्राइस के आसपास इंस्टीट्यूशन मार्केट में एक्टिव होते हैं। तो हमारे केस में वो बायर है, इस जोन पे वो बायर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब और कुछ एरिया हमने मार्क किया हुआ था कि जहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, ये एक एरिया है थोड़ा सा, अगर आप गौर करके देखें तो ये वो एरिया है जिस प्राइस पे प्राइस जो मार्केट है रिजेक्शन दिखा रहा था इस प्राइस के आसपास, और वो कौन से एरिया है यहाँ पर गौर करके देख लीजिए, ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ से प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन दिखाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है ना वो पहले से ही सेलर बने हुए थे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उसको पता था कि यहाँ से ही प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, और उसका मोमेंटम हमें इंट्राडे में मिला, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन एक दो स्टूडेंट ने भी प्रॉफिट बुक किया था, क्या था, यहाँ से वो पोजीशन बना, यहाँ से ये कैंडल बने, ठीक है। ये कैंडल किसका है, बड़े पैसे का, मैं अकबर मार्क करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये जो कैंडल है वो बड़े पैसे का है, इसके वैल्यू को भी समझने की कोशिश करेगा कि ये कहाँ से आता है, कहाँ पर एक्टिव होता है, कहाँ तक वो गया है। तो जब कभी भी किसी भी स्टॉक पे आप जाए ना, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इंस्टीट्यूशंस बड़ा पैसा वो कहाँ पर एक्टिव है। दो पॉइंट आपके पास है, एक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बड़ा पैसा कौन से लेवल के आसपास एक्टिव होता है, वो कौन सा उसका जोन है, देख लीजिए यहाँ पर इस प्राइस को गौर करके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है जैसे कि यहाँ पर मैं बायर हूँ, यहाँ पर मैं सेलर कभी नहीं बनूंगा, अगर ये नीचे आ रहा है ना ये मेरे लिए एडवांटेज है, सस्ता मिल रहा है। मैं अभी भी ड्यूरिंग लाइव मार्केट में आपको यह कह रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो उठा लीजिए यहाँ पर इस जोन के आसपास। आपको सबसे पहले प्राइस की वैल्यू को समझना है, जैसे कि आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल को शायद ये यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आया, लेकिन आपको याद रखना है कि आपने कौन से प्राइस पर खरीदा है, प्राइस आपके लिए मैटर करता है। ट्रेंडलाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाएंगे तो इंस्टीट्यूशन मोमेंटम को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। सबसे पहले प्राइस और प्राइस के वैल्यू को समझिए। प्राइस एक्शन ये नहीं है कि प्राइस कहीं पर भी जाता है, प्राइस एक्शन मतलब क्या, लोग क्या समझते हैं कि प्राइस जहाँ पर जाता है और जहाँ पर एक्शन करते हैं, मतलब या तो रिजेक्शन हो गया या फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा, वो प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन क्या है, एक्चुअल में प्राइस एक्शन है कि इंस्टीट्यूशंस के एरिया वहाँ पर उनके बिहेव, और साथ ही साथ आपको एक अफोर्डेबल सस्ता प्राइस मिले। लास्ट वीडियो पे मैंने एक बात कहा था कि मार्केट को एवरेज होने दीजिए उसके बाद जाएंगे। मार्केट को एवरेज होने देने का क्या मतलब है, इंस्टीट्यूशन को एवरेज प्राइस पसंद है, मूविंग एवरेज तो आप यूज़ ही करते होंगे, उसका क्या लॉजिक है, कुछ तो लॉजिक होगा, क्यों यूज़ कर रहे हैं आप लोग मूविंग एवरेज। हमेशा याद रखें कोई भी प्रोडक्ट एवरेज के ऊपर एक्सपेंसिव होता है, सस्ता नहीं होता है, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करो, उसके ऊपर अप ट्रेंड है, लेकिन एक्सपेंसिव खरीद रहे, एज अ बिजनेसमैन मैं उसको कभी नहीं खरीदता। तो उस चीज़ को समझना है, सबसे पहले जब कभी भी किसी भी स्टॉक में जाए आप, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्या यहाँ पर मैं जिस प्राइस पे खरीद रहा हूँ उसके आसपास इंस्टीट्यूशन एक्टिव है, क्या ये वैलिड है वो एरिया। आपको ट्रेंडलाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना है, उस एरिया को देखना है। दोबारा क्या देखना है कि अभी रिसेंट मार्केट जिस सिनेरियो पे है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर प्योर बायर हूँ, इस जोन के आसपास हर एक डिप मेरे लिए बायर होगा, मैं यहाँ पर एज ए बायर काम करना चाहूँगा, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है इस जोन के आसपास, ठीक है। अच्छा ठीक, एक हफ्ते बाद मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, शायद आपको वहाँ पर लॉजिक दिखे। अब क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी ये सभी ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो एक प्रेशर ज़रूर आ सकता है, तो मैं कॉशियस रहूँगा, लेकिन ये मेरा पहला एरिया होगा जहाँ पर मैं बाय करूँगा, कैसे मैं अपना क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर दूँगा। अगर नीचे भी आता है वो मेरे लिए एडवांटेज है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर रखें क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, गौर करके देखिए ये इंस्टीट्यूशन का ही एरिया है। तो जिस दिन आप किसी भी स्टॉक में स्टडी करें आपको ये देखना कि रीसेंट का जो प्राइस है वहां पर रिटेल ट्रेडर के व्यूज क्या है,
वो क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो एज ए सेलर काम कर रहे थे, उनको यहाँ पर ख़रीदने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। इसका मतलब जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जो सेल करना चाहेंगे, निकल जाना चाहेंगे, लॉस बुक करना चाहेंगे, कोई ना कोई तो ख़रीदेगा। वो कौन है? वो है बड़ा पैसा। तो उसके बाद ये कैंडल बना, ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं, आपने देखा होगा वहाँ पर स्क्रीन शॉट पर, उसके बाद ये मोमेंटम हमें देखने को मिला। ठीक है, अब ये नीचे आया हुआ है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल था, तो जाहिर सी बात है ये भी नीचे आ सकता है। अगर बड़े इंडेक्स में फॉल होगा तो स्टॉक में भी आ जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो ये मेरे लिए एडवांटेज है। तो हमेशा जब भी आप किसी स्टॉक में स्टडी करें, गौर करके इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूशन के एरिया पे मैं खरीद रहा हूँ कि नहीं खरीद रहा हूँ। मेरा जो प्राइस है, क्या मैं रिटेल ट्रेडर की तरह बिहेव कर रहा हूँ, क्या मैं उनके साथ खरीदारी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप गौर करके देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा देता हूँ, गौर करके चेक करेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये एक एरिया है ना, ये ब्रेकडाउन वाला एरिया है, गौर करके चेक कर लीजिए, ये भी तो ब्रेकडाउन वाला एरिया है। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न ड्रॉ करेंगे, वहाँ पर ट्रेड करेंगे, लेकिन हमें ये सारा चीज़ें नहीं करना है। हमें समझना है प्राइस के वैल्यू को। रिटेल ट्रेडर ज़्यादातर ट्रेड करते हैं कैसे, पैटर्न्स पे, वो पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड करेंगे। जैसे कि और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए हायर टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें गौर करके देखिए ये कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएगा। ठीक है, जितने भी लोग एंड तक वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएगा ये कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या सीन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर इसमें कैसे जाना पसंद करेंगे, ये कौन सा एरिया बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो उनके व्यू को देखिए, जितने भी लोग हायर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे उनके लिए एडवांटेज है, इसलिए मैंने वीडियो को एंड पे ये दिखाया हुआ है कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो आपका सीन जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो पूरा सीनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे फ्लक्चुएशन होता ही है, नॉर्मल सी बात है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अपनी पोजीशन को कहाँ पर ऐड करना है वो खुद से सोचने की कोशिश करें। किसी भी इंसान के कमेंट सेक्शन में जाके ये ना कहे सर इसको बाई करें कि सेल करें, क्या करना है, खुद से आइडेंटिफाई करना है, स्टडी पे फोकस करना है, इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम करना है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ हायर टाइम फ्रेम पे काम करें तो आपका जो सीनेरियो है, ब्रॉड सीनेरियो है, वो चेंज हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ भी हो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपनी पोजीशन को होल्ड करने का, ये वो रीज़न है। छोटे टाइम फ्रेम पे हम डिटेलिंग्स पे काम करते हैं कि पोजीशन कहाँ पर बनाना है, एरिया सबसे पहले, पोजीशन बाद में। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में बताएगा ज़रूर कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला। अगर नहीं मिला तो इस सीरीज़ को हम लोग यहाँ पर बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में बने रहने के